त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। खबर औरैया से है, जहां पहुंची माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, तो वही राज्य मंत्री द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। और गेल गांव ऑडिटोरियम में गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुई राज्य मंत्री उपद्रवियों पर बड़ा बयान दिया और कहा, हमने उपद्रवियों को बिल्कुल शांत कर दिया है और उपद्रवी लोग ये ना भूले कि यूपी में योगी जी की राज है। प्रदेश में उपद्रवियों को हमने बिल्कुल शांत कर रखा है, किसी की हिम्मत नहीं है। जो भी सिर उठाने की कोशिश करता है उसके सिर को नीचा कर दिया जाता है और कुछ ही घंटों में ये सारा मामला शांत कर दिया जाता है। ये लोग ये ना भूलें उपद्रवी कि ये माननीय योगी जी की सरकार है। इसमें हम इन लोगों को संबोधित करने के साथ साथ सब लोगों से बात भी करेंगे। हमने अलग एक बैठक भी बुलाई है और जहाँ कहीं किसी तरीके की कोई शिकायत है तो उन शिकायतों का हम निवारण भी करेंगे। खबर बुलंदशहर से है, जहां जेल कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। होमगार्ड मंत्री द्वारा कारागार के मुख्य द्वार आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नवनिर्मित बुलंदशहर व बुलंदशहर जेल का आजादी का इतिहास नामक सिलापट का उद्घाटन किया गया। साथ ही कारागार में बंदियों द्वारा तैयार की गई वॉल पेंटिंग व कैनवास पेंटिंग की आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया। तो अन्य भंडार का निरीक्षण करने के दौरान राशन की उच्च गुणवत्ता से संतुष्ट हुए और निर्देश दिए कि बंदियों को गुणवत्ता की भोजन दिए जाए। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भेंट की गई बंदी कल्याणार्थ की विभिन्न सामग्री का बंदियों में वितरण किया, बंदी अमृत बढ़ाना की पुस्तक का विमोचन किया तथा बंदियों द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को देखा। कारागार परिसर में चंदन और रुद्राक्ष के पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कानपुर हिंसा के बाद देश के कई शहरों में नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंसा भड़की थी, लेकिन आगरा के माहौल पूरी तरीके से शांतपूर्ण बना हुआ है, जिसके बाद उपद्रवियों ने आगरा का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। मामले को देखते हुए आगरा पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, सारा मामला थाना सदर क्षेत्र के नैनाट जाट का है। गुलशन रज़ा का इमाम, और जैसे कि यहाँ की अफवाह फैली हुई है कि यहाँ लोगों ने पत्थरबाजी करने के लिए अपनी छतों पर पत्थर रख रखे हैं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल शांति है और सब आपस में मेल मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। खाली अफवाह है जो फैली हुई है। देखिए, ये सूचना मिली थी कि कुछ दिन में कुछ लोगों ने एक धार्मिक स्थल में मीटिंग की थी और लोगों से इकट्ठा होने की अपील की थी। उस बारे में उन्हें समझाया गया था, उन्हें नोटिस भी दिया गया था और शाम को फिर एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें आज उन्हें इकट्ठा होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और जो संबंधित लोग हैं, नामजद लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और मेरा अपना सभी लोगों से अपील है कि इस तरह की कोई हरकत ना करें। कौशाम्बी में कुछ दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां दबंगों ने एक गरीब के मकान में जबरन ताला लगा दिया और पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो फिर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रविदेव पांडे जी हैं जो जबरन, क्या कहते हैं, गुंडाई के बल पे जी, और कट्टा दिखा करके मुझे, मैं आता हूँ जब अपने घर में तो कट्टा दिखा करके उन्होंने, क्या कहते हैं, मुझे ताला से धक्का देते हुए उन्होंने अपना ताला बंद कर दिया, जबकि मैं इसमें रह रहा था, बकायदा इसमें दिया बाती गृह प्रवेश आदि सब कुछ कर लिया। तो क्या ये जमीन खरीदी थी या आपकी पैतृक संपत्ति? मेरी जमीन नहीं थी, मैंने इनके बड़े भाई से राजदेव से खरीदा था। ये लोग 3 भाई हैं, राजदेव सबसे बड़ा नंबर का भाई है और इंद्रदेव सबसे बीच वाले हैं और रविदेव सबसे छोटे वाले हैं। तो छोटे वाले भाई ने मेरे मकान में कब्जा कर लिया। खबर कानपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष के समर्थक और सपा नेता फतेह बहादुर सिंह के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के चलते सपा नेता को गंभीर रूप से चोटें आई। बता दें, इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही।
गाजीपुर में पुलिस और शातिर पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने अपना बचाव किया, साथ ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। थाना क्षेत्र की एवं जो है उनके जो चौकी क्षेत्र पड़ती है बिखरी, उस इलाके में पैदल गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक जो है ग्रोह जो चोरी करने में सक्रिय है, एक जगह इकट्ठा होकर चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज मय पोस्ट के साथ उन पर विश्वास करके मुखबिर का और उस क्षेत्र पर उस जगह पर जब पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग जो है इकट्ठा थे और पुलिस पार्टी को देखते ही उन्होंने एक फायर कर दिया। फायर किए, फायर से सीखे हुए तरीके से हमारा पुलिस फोर्स जो है अपना बचाव किए और चारों तरफ से घेरा बना करके उनको पकड़ा। खबर अलीगढ़ से है, जहां की गणपत रेस्टोरेंट में महीनों पुराना रखा हुआ कच्चा माल पकाकर लोगों को परोस रहे हैं। इस मामले का खुलासा होने पर जिला खाद्य अधिकारी ने टीम रेस्टोरेंट भेजी और खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट पहुंचकर खाने के नमूने लिए, जिसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट कारोबारी और पाव भाजी व्यापारी के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की बात कही। कल हमारे यहाँ कस्टमर आए थे, उन्होंने पाव भाजी ली थी, अब वो पाव में कोई कीड़ा निकल आया और पाव हमारे यहाँ बनते नहीं है, पाव हमारे यहाँ ईगल वालों के यहाँ से आते हैं। तो फ्राई भी तो करके देते होंगे ना, खाली तई पर गर्म कराया जाता है बस। उनके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह नहीं है जहाँ से ये पाव जो आते हैं? मैंने उनके यहाँ शिकायत कर दी है, उनके उनका अभी 3-4 दिन पहले बेटा ख़त्म हो गया है, तो वो अस्थि अपनी बेटे की अस्थियाँ सिराने के लिए गए हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर समस्त जनपद वासियों को शुद्ध और मिलावट रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता विभाग सुनिश्चित कर रहा है और मिलावट के अतिरिक्त गंदगी जैसे कि किसी खाद्य पदार्थ में मक्खी या अन्य कीड़ों का पाया जाना भी एक गंभीर घटना है और विभाग त्वरित संज्ञान में लेता है। उसी क्रम में शिकायत मिली थी गणपति चाक भंडार में पाव भाजी में मक्खी कहीं से पाई गई, तो उसी के दृष्टिगत ये कार्रवाई सैंपलिंग की यहाँ चल रही है। खबर संभल से है, जहां थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव जाफरपुर निवासी चंद्रकेश यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक की मां ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। बता दें पुलिस ने मामले में जांच करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना गुन्नौर के अंतर्गत ये तहसील की रोड पर आज शाम के टाइम पर एक मर्डर हुआ है, जिसमें मृतक चंद्रकेश यादव ये ग्राम जाफरपुर का रहने वाला है, इसको 2 व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली मारना बताया जा रहा है। 2 व्यक्ति जो इनके गांव के हैं सुनील और राजू, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा मामले की तहकीकात की जा रही है, बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। खबर श्रावस्ती से है, जहाँ यूनिसेफ इंडिया की डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव लाना कटाऊ ने कंजड़वा गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गरीब 1 दर्जन घरों का भ्रमण किया और नौनिहालों की मां से मिलकर बच्चों के खान पान पर भी चर्चा की। खबर रायबरेली से है, जहां हवालात में युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। वांछित था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अस्पताल में उसके पिताजी के द्वारा अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की ताजो तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।